हेलो दोस्तों, क्लास 11th फिजिक्स में आपका स्वागत है। आजकल हम क्लास 11th फिजिक्स के रिवीजन सीरीज़ या आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिन्हें हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आज हम थर्ड चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और थर्ड चैप्टर के सबसे पहले आज हम ले रहे हैं जो हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं उनको। तो इस क्लास में हम केवल अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे और इनके जो आंसर होंगे वो हम अगली क्लास में उनको उनके सॉल्यूशन बताएंगे आपको। तब तक आप कोशिश कीजिएगा, यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों का आसानी से जवाब दे पाएंगे। इससे आपका अपना मूल्यांकन भी हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। हमने आपको जब डेरिवेशंस करवाए थे तो उसमें गति के तीनों समीकरणों को ग्राफ के माध्यम से सिद्ध करवाया था। तो यदि आपने वहां पर ध्यान दिया हो तो आप इस प्रश्न को आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किस भौतिक राशि का मान देता है। यह भी हमारे उसी टॉपिक से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन, किस स्थिति में कण का औसत वेग तथा औसत चाल के मान समान होंगे। देखिए, वेग जहां एक सदिश राशि है, चाल वहीं पर क्या है, एक अदिश राशि है। तो हमने आपको औसत वेग और औसत चाल की अलग अलग परिभाषाएं आपको बताई थी, तो यदि आप उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या त्वरण का मान नियत रहते हुए वेग की दिशा बदल सकती है। तो आपको ये बताना है कि यदि त्वरण नियत भी है, कॉन्स्टेंट भी है, तो क्या वेग की दिशा बदल सकती है, आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, किसी कण की चाल नियत होने पर उसका वेग परिवर्तित हो सकता है। कि चाल तो नियत है लेकिन उसका क्या वेग बदल सकता है, तो आपको यह भी बताना है, क्योंकि चाल हमारी एक अदिश राशि है और वेग कैसी है, सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी कण का वेग नियत होने पर क्या उसकी चाल परिवर्तित हो सकती है। बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न का हम कह सकते हैं एकदम उल्टा प्रश्न बना दिया है कि अब की बार कण का वेग नियत है तो पूछ रहा है क्या उसकी चाल परिवर्तित हो सकती है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सुझाया कि गति का वर्णन लंबाई व समय के पदों में किया जा सकता है। तो आपको यहां पर साइंटिस्ट का नाम बताना है। अगला प्रश्न, क्या किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक हो सकती है। तो देखिए, चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो आप जवाब दीजिएगा इसका। प्रश्न संख्या 9, किसी कार का स्पीडोमीटर क्या दर्शाता है। आप किसी भी गाड़ी पे जाइए, आप स्कूटर में जाइए, आप मोटरसाइकिल में जाइए, आप कार में जाइए, जीप में जाइए, उन सब में एक स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। जैसे जैसे गति बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपने देखा होगा स्पीडोमीटर की सही भी बढ़ती रहती है। जब हम कहते हैं हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, तो वो वास्तव में हम स्पीडोमीटर देख करके ही बताते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो स्पीडोमीटर क्या दर्शाता है। अगला प्रश्न, एक मक्खी कमरे में उड़ रही है, इसकी गति कैसी होगी। तो हमने एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गतियों के बारे में भी समझा था चैप्टर में, तो आपको इन बातों को ध्यान में रख के, विमाओं के बारे में ध्यान रख करके आपको बताना है कि यदि कोई मक्खी कमरे में उड़ रही है तो उसकी गति कैसी होगी। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ पर एक रेखा समय अक्ष के समांतर है। यदि हम एक वेग समय ग्राफ ड्रॉ करें और उसमें समय अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दे, तो आपको ये बताना है कि यह क्या प्रकट करती है, समय अक्ष के समांतर रेखा क्या बताती है, यह आपको बताना है। अगला प्रश्न है, समीकरण Sn बराबर u प्लस 1 अपॉन 2a 2n माइनस 1 क्या प्रकट करती है। तो यह समीकरण किस चीज के लिए प्रयुक्त की जाती है, आपको यह बताना है। तो दोस्तों, प्रश्न यदि आपने चैप्टर अच्छे से तैयारी की हुई है तो आप आसानी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। और मैं आपको पिछले वीडियोस की तरह, पिछली क्लास की तरह फिर से यह सजेशन दे रहा हूं कि यदि अभी तक आपने इस चैप्टर के जो लेक्चर वीडियोस हैं यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप उनको देखिएगा कंप्लीट चैप्टर थर्ड के, तब जाकर के इन प्रश्नों को सॉल्व करने का या आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो इससे आपको अपनी तैयारी का अनुमान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।